नमस्कार बच्चों, मैं पवन पांडे विशेष अध्यापक घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आप लोगों को सर्वनाम के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कल मैंने पिछले कड़ी में संज्ञा के बारे में बताया था, आज मैं आप सभी को सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। सर्वनाम क्या होते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अमन अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, तो अमन क्या हो गया, यहाँ संज्ञा हो गया। वह स्कूल जाता है, वह यहाँ क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। सर्वनाम तो हो गया क्योंकि अमन की जगह वह का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सर्वनाम हो गया। जैसे वह खाना खाता है, तो वह जो शब्द आएगा वह सर्वनाम है, क्योंकि वह संज्ञा की जगह प्रयोग किया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है। अन्य उदाहरण जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हारा, वह, वह, यह, ये, वो, सो, कोई, कुछ, कौन, सब आदि जो शब्द हैं ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम के भेद, अब यहाँ सर्वनाम के छह भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? छह। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? इसमें बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए का ज्ञान प्राप्त होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए आदि शब्द का बोध हो या ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, वह, मैं आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद होते हैं। अब जो पहला नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके तीन उपभेद होते हैं। का नंबर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है? जिसका प्रयोग उसके लिए होता है जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जा रहा है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसका प्रयोग, यानी जिसका प्रयोग उसके लिए होता है जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो या लिखा जा रहा हो, उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वह, उसका आदि। अब ख है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसका प्रयोग सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग, यानी जिसका प्रयोग, जिस भी किसी शब्द का प्रयोग सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए होता हो, उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम आदि ये जो है मध्यम वाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब ग हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिसका प्रयोग बोलने तथा लिखने वाले वाला अपने लिए करता है। उत्तम पुरुष
वाचक सर्वनाम का उपयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे हम उत्तम वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, जैसे लेटर वगैरह लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है ज्यादातर अपने के लिए, लिखने के लिए मैं, हम आदि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब दूसरा नंबर हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बोध कराते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध कराते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निश्चित है कि हाँ इस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है या इस वस्तु के बारे में कहा जा रहा है। जैसे डेस्टर के बारे में कहा जा रहा है तो इसी के बारे में कहा जा रहा है, निश्चित है। या किसी व्यक्ति का नाम लेके या उसका पता हाँ इसी का है, इसीलिए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वह, तो ये निश्चित है किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी विशेष वस्तु का बोध न कराकर, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध यानी नहीं करा रहा है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं यानी पता नहीं है किस वस्तु के बारे में कहा जा रहा है, उसे हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, तो कोई में है किसी निश्चय नहीं है कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है, कोई में कोई भी आ सकता है। या कुछ है तो कुछ में तो कोई भी वस्तु आ सकती है, इसमें निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब चौथा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट करते हैं। जो सर्वनाम जिस भी चीज का उपयोग एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो है ये सर्वनाम एक बात का दूसरी बात से संबंध रखते हैं, इसमें निश्चित नहीं है, इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पांचवा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी प्रश्न का बोध होता है, जिन सर्वनामों में किसी प्रश्न का बोध होता है, कोई प्रश्न उठता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, इसमें प्रश्न उठ रहा है कौन। क्या, कैसे, इसमें प्रश्न उठ रहा है, इसलिए इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब छठा नंबर है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता हो, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपने लिए कोई प्रयोग किया जाता हो तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपना या स्वयं, अपने लिए, तो ये जो है निजवाचक सर्वनाम है। अब आपने सर्वनाम के बारे में परिभाषा पढ़ लिया, इसके छह भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा और आप लोग कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखेंगे। धन्यवाद।